आप सभी को तन्वी सेठ के पासपोर्ट का मामला जरूर याद होगा। वही तन्वी सेठ जिन्होंने पासपोर्ट बनवाने और उनके पति अनस सिद्दीकी का पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए लखनऊ में आवेदन दिया था। पासपोर्ट ऑफिसर ने कुछ सवाल पूछे तो तन्वी ने उन पर उनके सवालों को धार्मिक रंग दे दिया, जमकर हंगामा भी किया। मामले में अब एक ट्विस्ट आ गया है और तन्वी ने गलत जानकारी दी है पासपोर्ट हासिल करने के लिए, झूठ बोलकर उन्होंने हंगामा किया। पासपोर्ट दफ्तर ने भी तन्वी के तमाशे पर करारा तमाचा लगाया है। तन्वी सेठ को कौवे ने तो नहीं काटा, लेकिन वो झूठ बोलकर कानूनी पचड़े में जरूर फंस गई है। उन्होंने जैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, उन्होंने उनका फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि आपका तो पासपोर्ट बन नहीं पाएगा क्योंकि आपने एक मुसलमान से शादी की और आपने अपना नाम नहीं चेंज किया है। धर्म का तड़का लगाकर तन्वी सेठ ने पासपोर्ट तो हासिल किया, लेकिन अब मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। LIU जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनसे ये साबित होता है कि तन्वी सेठ ने झूठी जानकारी देकर पासपोर्ट हासिल किया है। लखनऊ पुलिस ने बताया कि तन्वी सेठ अपने बताए पते पर पिछले एक साल से नहीं रह रही थी। देखिए, अभी तक जो तन्वी सेठ जी के मामले में पुलिस वेरिफिकेशन जो कि कैसरबाग थाना क्षेत्र से कराया गया, उसमें यह पाया गया है कि तन्वी सेठ यहाँ पर विगत एक वर्षों से नहीं रह रही थी। तन्वी सेठ ने मीडिया को इस्तेमाल कर जमकर हंगामा किया और अब वाहवाही बटोरी, लेकिन गलत जानकारी देने के चक्कर में अब फंस गई है तन्वी सेठ। सामान्यतया जो भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, हम लोग यह देखते हैं कि यह व्यक्ति एक वर्ष से इस पते पर है या नहीं। हम लोगों ने इस आधार पर पासपोर्ट ऑफिस, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। आगे की कार्रवाई गुण दोष के आधार पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस करेगी। लखनऊ SSP ने साफ शब्दों में कहा है कि तन्वी सेठ ने पासपोर्ट बनाने के लिए मांगी गई जरूरी जानकारी में झूठ लिखा। तन्वी ने विकास मिश्र नाम के पासपोर्ट अधिकारी पर धर्म के नाम पर भेदभाव का आरोप लगाया था। वो विकास मिश्र उस वक्त भी नियमों का ही हवाला दे रहे थे। नाम अगर छिपा रही थी तो नाम उन्होंने क्यों नहीं एंडोर्स किया और नाम क्या उन्होंने आज तक एंडोर्स किया? नंबर एक बात, नंबर दो, वो नोएडा में रहती है, पासपोर्ट बनता है पुलिस रिपोर्ट के आधार पे। यदि आप अपना एड्रेस छिपा करके अगर हम यहाँ पर रहते हैं और हमारे यहाँ और हम बेंगलोर का पता दे देंगे तो हमारी रिपोर्ट तो कभी सही नहीं लगेगी। हंगामा करने के बाद तन्वी और उनके पति को फटाफट पासपोर्ट मिल गया था। कैमरे के सामने आकर उन्होंने अपनी विजयी मुस्कान के साथ पासपोर्ट का भी प्रदर्शन किया, लेकिन अब LIU की जांच में खुलासा हुआ है कि तन्वी सेठ ने लखनऊ में पासपोर्ट का आवेदन किया और आवेदन में कहा था कि वो लखनऊ में ही रहती हैं। लेकिन जांच में ये बात सामने आई है कि तन्वी और उनके पति दोनों लखनऊ में नहीं बल्कि नोएडा में नौकरी करते हैं और वहीं रहते हैं। तन्वी की कॉल डिटेल्स के मुताबिक उनकी लोकेशन 14 जून से पहले नोएडा ही थी। वो 14 जून को लखनऊ आई और 19 जून को पासपोर्ट के लिए आवेदन कर दिया। अब इस मामले में नया मोड़ आने के बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस तन्वी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जिसका जवाब उन्हें 3 दिन के भीतर देना होगा। क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता जानकारी है कि पासपोर्ट के लिए तन्वी ने गलत जानकारी दी, लिहाजा तन्वी सेठ का पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है। लेकिन ये पूरी तरह पासपोर्ट ऑफिस पर ही निर्भर करता है। नियम के मुताबिक पासपोर्ट ऑफिस एक बार फिर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कह सकता है, जिसके लिए तन्वी को 500 रुपए की फीस भी चुकानी पड़ सकती है। तन्वी सेठ के पासपोर्ट वाले धार्मिक हंगामे को जबरदस्त मीडिया कवरेज मिला। हिंदू मुस्लिम एंगल से इस खबर को खूब नमक मिर्च लगाकर जनता के सामने पेश किया गया। लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस ने भी बिना जांच पड़ताल किए पासपोर्ट अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अब कानून का शिकंजा तन्वी सेठ पर कस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।